गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा सिंपल पेंडुलम को डिस्कस कर रहे थे कल हम, काफी केसेस हमने डिस्कस किए। लेक्चर की शुरुआत करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मैं आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। स्क्रीन भी दिख रही है ना आपको? जी सर। ओके बेटा, एक पेंडुलम लिफ्ट में लटका है बेटा, और वो लिफ्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है नियत त्वरण से। नियत त्वरण की जगह नियत वेग दे देते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है और इसमें एक पेंडुलम लटका है। अगर पेंडुलम की लेंथ एल है तो बताइए इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दोलन आवर्त काल क्या होगा? ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं। अभी ज्यादा बच्चों ने जवाब नहीं दिए। ठीक है, गुड। 2π√L/g सही है बच्चों। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है त्वरण वो जीरो है। और अगर त्वरण जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर 2π√L/g ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। एक थीटा कोण का इंक्लाइन प्लेन है नत्तल, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉक्स नीचे की तरफ फिसल रहा है बेटा। ये बॉक्स है जो नीचे की तरफ फिसल रहा है,
जी साइन थीटा त्वरण से, और इसके अंदर एक पेंडुलम है वो दोलन कर रहा है, तो इस पेंडुलम का आवर्त काल बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। एक बॉक्स है नत्तल पर नीचे की ओर जी साइन थीटा त्वरण से फिसल रहा है, और उस बॉक्स के अंदर एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम है, तो उसका आवर्तकाल अपन को बताना है क्या होगा। ठीक है, मनीष का आंसर आया है अभी, और बच्चों का वेट कर रहा हूं। वेरी गुड। तो बच्चों मैं बताता हूं इसको, सुनो अब आप। देखो हमने ऊपर किया था, अगर एक ये वाला केस हमने किया था, अगर एक कोई भी व्हीकल कोई भी वाहन क्षेत्रीय दिशा में ए त्वरण से गतिशील है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर नीचे आता है, क्योंकि वो आभासी बल का और एमजी का रिजल्टेंट होता है बेटा, परिणामी। उसी तरह यहां पर करेंगे। अब यहां पर ढंग से देखना, इधर देखिए सारे लोग, अगर ये पूरा बॉक्स नीचे आ रहा है तो बेटा इस पर पीछे की ओर एक आभासी बल लगेगा, आभासी बल होगा एम ए, और ए बराबर जी साइन थीटा दिया है तो आभासी बल हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और दूसरा नीचे की ओर लगता है mg, हम जानते ही हैं। अब mg के हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, दो घटक, mg का ये घटक आएगा कंपोनेंट mg sin थीटा, मुझे उम्मीद है आप न्यूटन्स लॉ याद होंगे आपको, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा mg cos थीटा। अब बच्चों ये वाला कंपोनेंट जो है ना mg sin थीटा, वो इस वाले mg sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों mg sin थीटा अपोजिट है, और इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, नेट फोर्स बचेगा, वो mg cos थीटा बचेगा। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अब देखो g की जगह g cos थीटा आएगा, क्योंकि परिणामी बल mg cos थीटा बचा है। एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या किया। बच्चों ये बॉक्स पूरा का पूरा नीचे की ओर आ रहा है जी साइन थीटा त्वरण से, एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, सूडो फोर्स mg साइन थीटा होगा, और वो mg साइन थीटा mg का जो नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, mg का भी तो एक घटक नीचे आता है mg साइन थीटा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा वो सिर्फ mg cos थीटा बचेगा, इसलिए नीचे g इफेक्टिव जो आएगा वो g cos थीटा आएगा बेटा। बस ये जो आएगा ये g cos थीटा आएगा, क्योंकि नेट फोर्स mg cos थीटा बचा है। आप चाहो तो इसे याद कर लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों सिंपल पेंडुलम के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम। हिंदी में इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे? सिंपल पेंडुलम सरल लोलक होता है, कंपाउंड पेंडुलम होता है पिंड लोलक। नहीं नहीं बोलो बोलो, आप भी बोलो। संयुक्त। संयुक्त तो बोलते हैं क्या? चलो आप संयुक्त लिख लो या पिंड लोलक लिख लो। बच्चों अभी हम जो पेंडुलम यूज कर रहे थे उसमें एक डोरी थी, डोरी, और डोरी के नीचे एक द्रव्यमान लटका हुआ था, एक मास लटका हुआ था, और डोरी में खुद में कोई द्रव्यमान नहीं था, डोरी का खुद का कोई मास नहीं था। अब हम डोरी नहीं लेंगे, हम सीधे किसी पिंड को लटका देंगे एक कील से और उसे दोलन करा देंगे। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक छड़ है, आप उस छड़ को एक सिरे से किलकित कर दो। मान लो आपके पास ये कोई छड़ है और आप इसे यहां से लटका दो, ऐसे यहां से ऐसे लटका दो, और अब आप इसे दोलन करा दो। तो बच्चों पूरी छड़ को ही हमने एक कील से लटका कर दोलन करा दिया, तो ये कहलाता है पिंड लोलक, यानी कि कंपाउंड पेंडुलम। अब जरूरी नहीं है ये छड़ हो, छड़ की जगह हम एक डिस्क भी ले सकते हैं। मान लो ये एक चक्ती है, हम इस पूरी चक्ती को ही एक सिरे से लटका देते हैं, एक तरफ से लटका देते हैं और फिर इसे दोलन करा देते हैं। तो हमने इस पूरी चक्ती को यहां से लटका दिया, देखो ऐसे, और इसे ऐसे दोलन करा दिया। तो चक्ती कभी लेफ्ट जाएगी कभी राइट जाएगी। तो बच्चों किसी भी दृढ़ पिंड को, किसी भी रिजिड बॉडी को, अगर हम उससे गुजरने वाली किसी अक्ष से लटका दें और दोलन करा दें ऊर्ध्वाधर तल में, तो यह निकाय पिंड लोलक कहलाता है। बेटा किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होगा 2π अंडर रूट आई। आपको आता है? किसी को बोलो आता है तो मैं रुक जाता हूँ। वेरी गुड, सही बोला ये 2π। हाँ बेटा बोलो। सर पिंड लोलक समझ नहीं आ रहा। बेटा जैसे हम सरल लोलक में एक डोरी से बांधकर किसी पिंड को लटकाते थे, वो पिंड तो नीचे छोटा सा होता था, डोरी लंबी होती थी। तो यहाँ पर है ना, पूरे की पूरी वस्तु को ही लटका दे, जैसे छड़ ले ले। अब मैं छड़ दिखा नहीं सकता, इसे चित्र बना सकता हूं। जैसे तुम्हें ये छड़ दिख रही है, अब इस छड़ में तूने यहाँ पर एक कील ठोकी दीवार में, दीवार में कील लगी है, उस पर टांग दिया तेने कैसे भी करके, कोई उपाय कर उसको, छड़ को दीवार पर टांग दे, और दीवार पर टांगने के बाद थोड़ा लेफ्ट करके छोड़ दे, तो लेफ्ट राइट ये दोलन कर लेगा। यस सर। अब दूसरे डायग्राम में मैंने एक चक्ती ले ली, उस चक्ती को दीवार से लटका दिया, तू तो चक्ती में एक छेद कर दे, उस छेद में कील डाल दे, और कील डालकर उस चक्ती को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दे, तो लेफ्ट राइट दोलन करने लग जाएगी। अब मैं इसमें एनिमेशन नहीं दे सकता, वरना एनिमेशन दे देता तो हो जाता काम। थैंक यू सर। जैसे मान लो ये थोड़ा सा मैं, हाँ नहीं लेफ्ट कर नहीं पाऊंगा, आएगा नहीं, एनिमेशन नहीं आएगा। तो बच्चों जब हम किसी दृढ़ पिंड को उससे गुजरने वाली, उसके अंदर से गुजरने वाली किसी क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराते हैं, तो वह निकाय पिंड लोलक कहलाता है। देखो कितनी लंबी लाइन मैंने बोली, आप कहें तो दोबारा बोल दूं। जब किसी दृढ़ पिंड को
उसके अंदर से गुजरने वाली किसी क्षितिज अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कराते हैं तो यह निकाय पिंड लोलक कहलाता है। इंग्लिश में बोलू, व्हेन ए रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड थ्रू एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट, इसके अंदर से कोई एक्सिस जा रही है, एंड ऑसिलेट इन वर्टिकल प्लेन और ऊर्ध्वाधर तल में दोलन करती है तो वह निकाय पिंड लोलक कहलाता है। जैसे मान लो देखो, इसको थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ देता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये देखो, इस छड़ को थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ दिया तो वापस सीधा होगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर वापस सीधा होगा, फिर राइट में आएगा। इस तरह से ये बेटा लेफ्ट राइट दोलन करने लग जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा मैं डायग्राम बनाने की, क्योंकि डायग्राम से ही समझ सकते हैं अभी तो हम। तो इस तरह से ये लेफ्ट राइट ये कोई ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, वर्टिकल लाइन, इसको डॉटेड बना देते हैं वर्टिकल लाइन को। तो बस इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट राइट ये ऐसे दोलन करेगा ऐसे। अब बच्चों आई क्या है, आई क्या है इसमें बताओ, आप लोग याद करो आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। बेटा कौन सी अक्ष के सापेक्ष है, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में है बताओ? घूर्णन अक्ष के। कौन सी अक्ष? जहां से इसको लटकाया हुआ है ना, घूर्णन अक्ष, सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से हमने इसको लटकाया है। तो लिख लो आई बराबर घूर्णन अक्ष, लिख सकते हो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा एल क्या है, एल बताओ, अगर जिस बच्चे को भी पता हो वो बताओ एल क्या होगा। सर छड़ की लंबाई? नहीं बेटा, चक्ती वाले केस में एल क्या होता, ऐसा तो फिर हर बार बदल जाता ना। छड़ वाले केस में अगर हम लंबाई ले लेंगे, नहीं छड़ की लंबाई नहीं होता बेटा, और कोई बच्चा बताओ। सेंटर ऑफ मास। एक बार एक दूसरा बच्चा बोल रहा था, उसे बोलने दो। सर पेन को जिस छोटे से रस्सी से जोड़े हैं। नहीं रस्सी तो ली नहीं, मैंने पहली मना कर दिया, यहाँ कोई डोरी रस्सी कुछ नहीं ली। यहाँ पर जो L है वो ये जो एक्सिस है ना, जहां से हमने वस्तु को लटकाया है, उसका वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से दूरी है, लेकिन है ना, लिखो अक्ष की वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की दूरी। अगर आपको छड़ का जड़त्व आघूर्ण याद हो तो बताओ, मैंने जो पहला डायग्राम बनाया है उसमें मैंने एक L लंबाई की छड़ ली है, मान लो इस छड़ की पूरी लंबाई L है, कैपिटल L ले लो। अगर इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L है तो छड़ के लिए बताओ I क्या आएगा? ML²/3। आई बराबर क्या आएगा बेटा? ML²/3। सही बोला, बिल्कुल सही बोला ये बच्चा।
एम एल स्क्वायर बाई थ्री आएगा, क्योंकि है ना अक्ष छड़ के एक सिरे से जा रही है, छड़ के एक सिरे से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। रॉड के एक एंड से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है बेटा। और सेंटर से अगर अक्ष जारी होती तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आता। अब एक चीज और बता दो, स्मॉल एल क्या आएगा इस वाले केस में, रॉड वाले केस में? एल बाई टू, एल बाई टू। करेक्ट करेक्ट, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र L by 2 दूरी पर होगा। ये दोनों वैल्यू रख दो और T बताओ कितना आएगा। ये दोनों वैल्यू फार्मूले में रख दो और T बताओ कितना आएगा। L से L कैंसिल और M से M कैंसिल, ये सही बोला। ये सही बोला है ना। और दूसरे डायग्राम में मैंने डिस्क ली थी, बताइए डिस्क के लिए आई कितना आएगा। रेडियस आर मान लो, डिस्क का रेडियस आर मान लो बेटा, और बताओ डिस्क का आई कितना आएगा। थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। बच्चों डिस्क का आई बताओ। ये एक सिरे से जाने वाली स्पर्श रेखा है ना। हमारी जो एक्सिस है वो छड़ की स्पर्श रेखा है, तो ये थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर होता है इसका जड़त्व गुण। आप कॉपी खोल कर देखना, और अक्ष से केंद्र की दूरी त्रिज्या के बराबर आएगी। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू अगर हम रख दें तो इस क्या बोलते हैं डिस्क का, इस चक्ति का जो आवर्त काल आएगा वो आएगा, बताओ क्या आएगा। थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर ऊपर एम जी आर नीचे। चरण जी इस बार टाइप करके बात करना बेटा, बहुत जल्दी बोलते हो, बच्चों को थोड़ा सोचने दो। और बच्चों को आप टाइप करोगे, आपको टाइम लगेगा तो अपने आप ही टाइम लग जाएगा है। टू पाई रूट अंडर थ्री आर बाई टू जी। हाँ मैंने लिखा ना बेटा, इसे कॉपी कर लो सब। रॉड का होगा 2 पाई रूट 2L बाई 3G, और डिस्क का छड़ का वो चक्ति का होगा 2 पाई रूट 3R बाई 2G। देखता हूं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। बच्चों ये एक वर्गाकार प्लेट है, ये एक वर्गाकार प्लेट है, स्क्वायर प्लेट। आपने इसको यहां से लटका दिया, यहां से
ये देखिए, यहां से लटकाकर और ऐसे दोलन करा दिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इस प्लेट की भुजा की लंबाई कैपिटल एल है, तो बताइए इसके दोलन का आवर्त काल क्या आएगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट? बताइए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आई निकालने पे बस, और आई भी आराम से निकाल लोगे क्योंकि मैंने रोटेशनल मोशन में ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। अलग अलग बता दीजिए पहले मुझे, आई बता दीजिए पहले। ML स्क्वायर बाय 12। आई कितना बता रहे? ML स्क्वायर बाय 12। ML स्क्वायर बाय 12 तो बेटा इसके किसी विकर्ण के सापेक्ष होता है। ML स्क्वायर बाय 6। ML स्क्वायर बाई 6 जो होता है वो केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष होता है। वो भी थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें बेटा, समांतर अक्षों का प्रमेय लगाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। देखो हमारी जो एक्सिस है वो एक कोने से जा रही है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है ICM प्लस MD स्क्वायर I बराबर। अभी अभी जिस बच्चे ने बताया था ML स्क्वायर बाई 6 वो ICM होता है बेटा, केंद्र से जाने वाली एक्सिस, सेंटर से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो। और D क्या होता है याद है आपको? D होता है दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, एक तो सेंटर से जा रही है और दूसरी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बताओ केंद्र से और कोने के दूरी कितनी आती है? एल बाय रूट टू आएगा बेटा, एल बाय रूट टू, ए बाय रूट टू। अब इसे सॉल्व करके दो, एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा जोड़ने पर दोनों को? 1/6 प्लस 1/2। तो ये आएगा 2/3 ML स्क्वायर। बच्चों आई की ये वैल्यू टाइम पीरियड में रख दो, टी में रख दो, 2π अंडर रूट आई अपॉन MgL। तो आई हमने निकाल लिया 2/3 ML स्क्वायर डिवाइडेड बाय MgL। बेटा स्मॉल एल क्या होता है? घूर्णन अक्ष से केंद्र की दूरी, वो अभी अभी निकाली ना अपन ने, एल बाय रूट टू आया था। तो इसे सॉल्व करने पर आएगा टी बराबर 2π, रूट के अंदर बताओ क्या बचा है? हाँ इसने सही लिखा है, रूट के अंदर आएगा 2√2 एल बाय 3g। नीचे 3 बचेगा ना बेटा, एम कट जाएगा 2√2 एल बाय 3g।
तो बच्चों अगर एक वर्गाकार प्लेट को एक कोने से लटकाकर दोलन करा दें तो उसका आवर्तकाल ये आएगा। अब आप इसमें मुझसे पूछ लें जो भी पूछना है आपको। यहां पर आई निकालने में मेहनत करनी पड़ी है, तो मैं बोला ही था आपको आई निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तो ये पिंड लोलक हो गया। अब ऐसे कोई भी वस्तु दे सकता है वो एग्जाम में। एग्जाम में कोई भी वस्तु दे सकता है बेटा। चलो एक छोटा एक आसान दे देता हूं प्रश्न, थोड़ा सा आसान लेकिन करके देना ऐसे नहीं। बच्चों एक एल लंबाई की छड़ है हमारे पास और उसको एक सिरे से नहीं लटकाकर बल्कि उसके एक सिरे से एल बाई फोर दूरी से लटकाया। दोबारा सुन लो, डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, डायग्राम आप बनाओगे। हमारे पास कैपिटल एल लंबाई की एक छड़ है और उसको हमने एक सिरे से एल बाई फोर दूरी से लटका दिया। एक सिरे से केंद्र से भी एल बाई फोर आएगा, सेंटर से एल बाई फोर मान लो आप, केंद्र से एल बाई फोर दूरी से छेद किया छड़ में और कील से लटकाकर दोलन करा दिया, तो बताओ इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। बच्चों आई निकालने में मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी, पर पिछला क्वेश्चन कराने से आपको बहुत बड़ा हिंट मिल गया। देखो ये तो इसका सेंटर है और L बाई फोर यहां हुआ, यहां से लटकाया है आपने इसे, छेद किया और छेद करके यहां से लटका दिया ऐसे, ये दूरी L बाई फोर है। तो बताइए इसके जो दोलन होंगे उसका आवर्तकाल क्या आएगा। टू पाई रूट सेवन एल बाई ट्वेल्व जी, बच्चों आपको लिखना कम पड़ेगा, आप तो बस ये अंडरवुड के अंदर वाली चीज बता दो बस मुझे, बाकी चीज तो अपन जानते हैं कॉमन है, बस स्क्वायर रूट के अंदर क्या टर्म आएगी वो बता दो। सर आई की वैल्यू 4/3 ml 5L/4g सर 5L/4g
चलो अपन एल बाई फोर जे आई अलग से निकाल लेते हैं, हमारा आई आएगा बच्चा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ये समांतर अक्षों का प्रमेय होता है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। यहां पर आई सी एम बेटा एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस होती है ना उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, एटम एल स्क्वायर 24, और डी आएगा एल बाई फोर, एल बाई फोर का स्क्वायर तो 1/12 प्लस 1/16 कितना आएगा 7/48 एम एल स्क्वायर, सही लिखा है मैंने? यस सर सही है 7/48 एम एल स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल एल जो आएगा द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की दूरी वो तो एल बाई फोर आएगा, ये दोनों वैल्यू रख दो आप तो ऊपर आ गया 7/48 एम एल स्क्वायर और नीचे आएगा एम जी एल बाय फोर, चार ऊपर जाएगा 4 से 48 कर जाएगा 12 से, तो 7/12 सही था आंसर बच्चों का, तो आंसर आएगा 2π√7L/12g। तो चरणजीत का, जतिंदर का, प्रांजल का, पूजा का, इन सब का सही है। चलो काफी क्वेश्चन हो गए इस पर, अब इसके बाद लिखो टॉर्जनल पेंडुलम बेटा, टॉर्जनल पेंडुलम। हिंदी में कौन बताएगा क्या होता है टॉर्जनल पेंडुलम? हिंदी नहीं आती? मरोड़ी लोलक, अरे कभी नाम सुना है नहीं सुना इसका? इंग्लिश में सुना है, इंग्लिश में सुना है, इंग्लिश भी सुना है सर। अरे इसमें क्या करना है, जैसे आप है ना एक तार से या किसी डोरी से किसी पिंड को लटका दो, बड़े पिंड को, जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने एक तार से लटका दिया, अब आपको इसे लेफ्ट राइट में नहीं छोड़ना वरना तो ये सरल लोलक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा, अगर आप इसे थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाकर छोड़ दोगे तो ये वापस आएगा और सरल लोलक बन जाएगा, नहीं अब आपको इसे एक बार है ना घुमाकर छोड़ना है, जैसे एक तार से एक बॉल लटकी है, आप सुनो मेरी बात, एक तार से एक बॉल लटकी है, मेरे हाथ की तरफ इशारा देखो, इस बॉल को है ना ऐसे ऐसे मरोड़ कर छोड़ दो, बस बॉल को ऐसे मरोड़ कर छोड़ दो, ट्विस्ट करके छोड़ दो, है ना, ट्विस्ट करते हैं ना अपन ऐसे ऐसे, तो एक बार इस बॉल को ऐसे घुमाकर छोड़ोगे तो ये वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर जाएगी, तो इस तरह से बेटा ये है ना क्या बोलते हैं दोलन करेगा, इस तरह से दोलन करेगा, देखो इसको आपको लेफ्ट में ले जाकर नहीं छोड़ना बल्कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ना है, थोड़ा सा मरोड़ कर छोड़ना है, इसलिए इसका नाम मरोड़ी लोलक टॉर्जनल पेंडुलम कहलाता है। तो बच्चों ये जब आप इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो ये वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह से दोलन करेगा। आप में से किसी को इसका फार्मूला पता है? आई अपॉन के लिख दो या सी लिख दो, हम लोग के दूसरा वाला लेते हैं ना स्प्रिंग के अंदर के लेते हैं, इसलिए इसको सी लिख देते हैं हम, सी है टॉर्जनल कांस्टेंट।
और आई जड़त्व अवगुण है, लिख लो आई वायर के रेस्पेक्ट में, ये जो वायर है ना बेटा ये घूर्णन अक्ष बन गया है, हमारा जो तार है वो घूर्णन अक्ष बन गया, तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व अवगुण है, और सी कहलाता है टॉर्जनल कांस्टेंट, एठन नियतांक, मरोड़ी नियतांक, कुछ भी लिख लो, एठन नियतांक लिख लो या मरोड़ी नियतांक लिख लो, ऐसे अच्छा बच्चों अगर मान लो हम स्फीयर ले लें, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला ले लें, तो आई कितना आएगा, इस डायग्राम को देखकर बताइए आई कितना आना चाहिए, 5/2 mR2। लड़की 5/2 नहीं 2/5 होता है, उल्टा बोल दिया तुमने, सॉरी सर। ठोस गोले का जड़त्व अवगुण बेटा 2/5 mR2 होता है। हाँ तो आई तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो आई 2/5 mR2 आएगा, और बच्चों सी तो अलग से देना पड़ता है। अच्छा इसी तरह मान लो मैं एक स्क्वायर प्लेट को मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ इस तरह से मान लो एक स्क्वायर प्लेट है मेरे पास, उस स्क्वायर प्लेट को मैं लटका दूं, सेंटर से लटका दिया, यहां से एक तार से लटका दिया, ऐसे लाइनें कैसी कैसी हो रही है, तो बच्चों अगर मैं इस वर्गाकार प्लेट को लटकाकर इसे दोलन करा दूं, डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बना, तो बताओ आई कितना आएगा इस वर्गाकार प्लेट का, भुजा की लंबाई एल मान लो, है ना, ऐसे मेरे पास एक प्लेट है उसको बीच में तार से लटकाकर और प्लेट को थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ दिया, तो बताइए इसका आई कितना आएगा, बस आई बताना है, सी तो अपन को अलग से दिया जाएगा, हाँ बच्चे कहाँ गए, ML² by 6 आएगा बेटा, ML² by 12 तो इसका विकर्ण का होता है, किसी भी वर्गाकार प्लेट के सेंटर से केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML² by 6 होता है बेटा, तो बस आप तो आई की वैल्यू रख देना, यहाँ पर यार जड़त्व अवगुण का काफी ज्यादा रोल है, तो आप तो आई की वैल्यू पुट कर देना बस, ठीक है बच्चों आगे बढ़े। हम है ना छड़ को भी लटका सकते हैं, हम एक पतली छड़ को भी लटका सकते हैं, जैसे मान लो ये पतली सी छड़ है, कैसी छड़ बन गई, अब इस रॉड को मैंने सेंटर से लटका दूं, मान लो यहां से लटका दूं और इसे लेफ्ट ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दूं, इसकी टोटल लेंथ अगर एल है कुल लंबाई, तो इसका आई कितना आएगा रॉड का, एक छड़ को हमने तार से लटका दिया केंद्र से, छड़ हॉरिजॉन्टल है, रॉड हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये देखो मेरे
आपको ये पेन दिख रहा है, इस पेन को ऐसे सेंटर से लटका दो तो ये ऐसे 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 लेफ्ट राइट दोलन करेगा, तो इसका आई कितना आएगा बताओ। हाँ इसका आई आएगा ML square by 12। हाँ किसी भी रोड के सेंटर के से जाने वाली जो एक्सिस होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML square by 12 होता है। तो बच्चों ये टॉर्सनल पेंडुलम में इतना ही काफी है, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट का आई हमें पुट करना है। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा एक बार याद करो। SHM में सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी हमने, SHM का एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वहां से वहां जाने में कितना टाइम लगता है, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़े थे हमने। उसके बाद फिर एनर्जी, SHM का इक्वेशन, कितने तरह के इक्वेशन होते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, उसका एम्पलीट्यूड वगैरह निकाला। फिर एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उनकी एवरेज वैल्यू पढ़ी हमने। उसके बाद एप्लीकेशंस पर आ गए थे। हमने कितने तरह के पेंडुलम पढ़े हैं आप याद दिलाओ मुझे। स्प्रिंग पेंडुलम, करेक्ट, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, फिर कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ओरिजिनल पेंडुलम, और सब में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और भी क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग करोगे। आप लोग भी अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन किया करो, उसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, और लास्ट में मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। अच्छा अब है ना, हम ऐसे सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं बच्चा जो कभी भी दोलन करना शुरू कर देते हैं, उनका टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो पानी में एक है ना सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, या कोई ब्लॉक है। मान लो अपने पास ये कोई ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, और मान लो ये पानी में तैर रहा है, ये पानी है, ये पानी का सरफेस है, अब इस लकड़ी के ब्लॉक का कुछ भाग पानी के अंदर है और बाकी पानी के बाहर है। अब हमने क्या किया, इस लकड़ी के ब्लॉक को थोड़ा सा अंदर की तरफ और धकेल कर छोड़ दिया पानी में, पानी के अंदर थोड़ा सा पुश किया और छोड़ दिया, तो ये वापस ऊपर आएगा आप जब अंदर धकेलोगे, है ना। पानी में थोड़ा अंदर की तरफ धकेल कर हाथ हटा लिया तो ये वापस ऊपर आएगा, ऊपर आकर फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो बच्चों ये ऊपर नीचे SHM करने लगेगा। अब इसका आवर्तकाल निकालना है, तो अब इसका आवर्तकाल निकालने के लिए हमें फ्लूइड वाला जो चैप्टर होता है ना बेटा, द्रव वाला, उसकी नॉलेज चाहिए, उत्प्लावन बल और ये सब चाहिए। तो ये सब चीजें हम जब पढ़ेंगे ना तब और सीख लेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको इनके डायरेक्ट फार्मूले लिखा देता हूँ। तो अभी आप इनके डायरेक्ट फार्मूले लिख लो, ऐसे करो, इसमें कोई हेडिंग तो नहीं होती, तो ऐसी एक हेडिंग बना लो, इम्पोर्टेंट SHM, महत्वपूर्ण सरल आवर्त गतियां। तो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करा देता हूं, है ना, सम इम्पोर्टेंट SHM, है ना, कुछ महत्वपूर्ण सरल आवर्त गतियां। तो ये पहला वाला डायग्राम यही बना लो, एक लकड़ी का ब्लॉक है बेटा, वो पानी में तैर रहा है, इसका कुछ भाग पानी के अंदर है, बाकी पानी के बाहर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा अंदर की तरफ धक्का देकर छोड़ दूं, तो ये वापस बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, इस तरह से ये सरल आवर्त गति करेगा, ये SHM करेगा बेटा। इसका टाइम पीरियड होता है 2π√ हाँ 2π तो आता ही आता है, इसलिए मैंने लिख दिया। आपको किसी को बेटा इसका फॉर्मूला याद है? L/g L क्या होता है, मतलब जो जो भाग द्रव के अंदर डूबा हुआ है। शाबाश, इस बच्चे को याद है बेटा।
पानी के अंदर यदि इसकी ऊंचाई स्मॉल h है, तो मैं l की जगह h काम में ले रहा हूं। इस बच्चे ने सही फार्मूला बताया, 2π√h/g। h जो है वो ब्लॉक की वो ऊंचाई है जो पानी के अंदर है साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में। साम्यावस्था में पानी के अंदर जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है। वैसे एक इक्वेशन में और बता दूं, उत्प्लावन बल के अंदर पढ़ोगे आप, क्योंकि जरूरी नहीं है वो स्मॉल h के रूप में फॉर्म में ही आपको आंसर ऑप्शन दे, हो सकता है ऑप्शन में कुछ और वैल्यू दे दे। तो एक चीज और देखो बेटा, जब ये लकड़ी का ब्लॉक पानी में तैर रहा था ना, तो उस समय इस पर दो बल लगते हैं, एक तो नीचे की तरफ mg लगेगा और एक ऊपर बॉयंसी फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स, उत्प्लावन बल। तो साम्यावस्था में mg जो है वो उत्प्लावन बल के बराबर होता है। आप में से किसी को बेटा पता है उत्प्लावन बल क्या होता है, मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, डरो नहीं। H रो जी नहीं बेटा, रो जी एच तो प्रेशर होता है बेटा, V रो जी होता है, ये होता है V रो जी। अब आप में से कोई ये बताओ, ये V कौन सा वॉल्यूम होता है, कौन सा आयतन होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हाँ, या हम ये कह सकते हैं ये वो आयतन होता है जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। जी से जी कट गया बेटा, तो स्मॉल m आएगा। अच्छा, पानी के अंदर कितना आयतन है? क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इस लकड़ी के ब्लॉक का कुछ अनुप्रस्थ काट a होगा, हम अनुप्रस्थ काट a मान लेते हैं और उसको स्मॉल h से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों, हो सकता है आपको स्मॉल h नहीं देकर m दे दे, तो h को m से रिप्लेस कर देना इस इक्वेशन की सहायता से। तो स्मॉल एच अगर नहीं दे तो इसका टाइम पीरियड का दूसरा फार्मूला ये आएगा, स्मॉल एच को हटाओ, स्मॉल एच को हटाओ, स्मॉल एच आएगा एम अपॉन ए रो, तो एम अपॉन ए रो जी। तो बेटा ये भी एक फार्मूला है इसका, है ना? तो ऑप्शन में वो कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा बहुत तो हमें इधर उधर करना आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करना आना चाहिए चीजों को। चलो नंबर टू, बेटा एक है ना, ये यू शेप की ट्यूब है, यू शेप की या वी शेप की कोई ट्यूब है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, इसमें कोई द्रव भर दिया, पानी भर दिया हमने, तो बच्चों शुरू में कोई भी द्रव भरेंगे या पानी भरेंगे तो दोनों साइड ऊंचाइयां बराबर आएगी ना, सुन रहे हैं आप लोग सब लोग? हम अगर कोई भी द्रव इसमें भरेंगे तो दोनों साइड ऊंचाई बराबर आएगी। अरे तल बराबर होता है ना पानी का, दोनों साइड, छोटा बड़ा नहीं होता। अब हमने क्या किया, एक तरफ फूंक मारकर पानी को थोड़ा नीचे कर दिया या सक कर लिया ऊपर की तरफ, है ना? एक भुजा में पानी को थोड़ा सा ऊपर खींचकर छोड़ दो, तो जब छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा, दूसरी तरफ से ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ से नीचे आएगा, इधर से ऊपर हो जाएगा। इस तरह से द्रव बेटा दोनों साइड ऐसे ऐसे, पहले दोनों लेवल बराबर था, देखो मेरे हाथ की तरफ इशारा, पहले दोनों लेवल बराबर थे, मैंने इसको ऊपर किया तो ये नीचे हो गया, छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, ये तल ऊपर जाएगा, फिर ऐसे एक तल नीचे आएगा, दूसरा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ये द्रव पूरा दोलन करेगा।
ये द्रव दोलन करेगा बेटा जब एक तरफ खींच कर छोड़ दोगे इसे। किसी बच्चे को इसका फार्मूला याद है? ऐसे चुप मत रहो यार, अभी तक भी तो बता रहे थे, ये भी बता दो। ऊपर बता रहे थे ना, बेटा इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है जो ऊपर था। बस ये याद रखो वहां एच क्या था और यहाँ एच क्या है। यहाँ एच है एक भुजा में, एक भुजा में द्रव की ऊंचाई। कल भी मैंने इसी बात के लिए शिकायत की थी और आज फिर कर रहा हूं। अगर आपको जवाब नहीं भी पता हो तो भी क्लास में एक्टिव रहिएगा और हमें बोल दो कि सर नहीं आता। ये चुप रहने से कुछ गलत फहमियां सामने आती हैं बेटा, है ना? वो गलत फहमियों को जन्म मत लेने दो, क्लास में एक्टिव रहो। नहीं आता तो बोलो नहीं आता, आता है तो जवाब दो ताकि आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों मैंने लिख दिया, अब तो आप कॉपी कर लो। H जो है वो एक भुजा में पानी की ऊंचाई है बेटा साम्य अवस्था में। दोनों तरफ ही H आएगा शुरू में, बस ये वही वाला H है। नंबर 3, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कोई, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। बच्चों एक हमने कटोरा लिया अर्ध गोलाकार, आर त्रिज्या का अर्ध गोलाकार। एक मिनट, में पूरा डायग्राम मत बनाना, मैं इसमें से आधा गोला बनाने के लिए आधा मिटाऊंगा, है ना? तो बच्चों हमारे पास ये एक कटोरा है आर त्रिज्या का, ये आर रेडियस का एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, अर्ध गोलाकार कटोरा। ठीक है, इस कटोरे के अंदर हमने एक बॉल, छोटी सी बॉल ली और उस बॉल को छोड़ दिया बेटा। इधर से मिल नहीं रहा, चला मिला देता हूं मैं। ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है, लेकिन हमें एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं, हटा दो इसे। चलो इस कटोरे के अंदर एक छोटी सी बॉल हमने छोड़ दी। अब ये बॉल लेफ्ट राइट दोलन कर रही है, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी। तो बच्चों इसका आवर्तकाल बताइए, कटोरे की त्रिज्या कैपिटल आर है, बताओ। अगर किसी बच्चे को याद हो तो बोल दो। सर 2π√R − r/g। क्या बात है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दुर्गेश। शाबाश, काफी अच्छा जवाब दे रहा है तू आज, देता है खैर, काफी देता है आंसर। बच्चों इसने तो मैंने जो नहीं पूछा उसका भी जवाब दे दिया। इसने कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बोला है, वो गोले तो स्मॉल आर पूछा नहीं। अरे दुर्गेश बेटा मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। स्मॉल आर बॉल की त्रिज्या है, छोटी बॉल है ना जो दोलन कर रही है उसकी त्रिज्या है, और कैपिटल आर हमारे कटोरे की त्रिज्या है। दोनों लिख लो। तो बेटा मैं तो तारीफ कर रहा हूं, अच्छी बात है। कैपिटल आर है कटोरे की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बाउल, और स्मॉल आर है उस छोटी सी बॉल की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बॉल, BALL।
है बेटा, बेटा माइनस इसलिए किया है, आपको याद है मैंने आपको सिंपल पेंडुलम जब पढ़ाया था तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि यार अगर बॉल बड़ी हो तो हम डोरी की लंबाई नहीं लेकर, ये देखो ये वाला डायग्राम, तो डोरी की लंबाई नहीं लेते बल्कि उस पिंड के बॉल के सेंटर से और आलंबन बिंदु, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो होता है ना, आलंबन बिंदु जहां से लटकाते हैं वो दूरी लेते हैं। यही बात यहां पर लागू होगी। देखो मैं बॉल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं तब अच्छा लगेगा आपको। ये बॉल मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूं, छोटी बना दी मैंने। तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास एक इतनी बड़ी बॉल है और ये बॉल लेफ्ट राइट वो कर रही है क्या, दोलन। तो अब आप क्या करोगे, इसके सेंटर से, बॉल के सेंटर से और ये जो हमारा है कटोरा है ना उसके सेंटर का डिस्टेंस लोगे तो बताओ कितना आएगा। तो आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आएगा ना बेटा, ये वाला दूरी, ये वाली दूरी, ये दूरी जो आएगी वो आर माइनस आर आएगी। तो एक तरह से सिंपल पेंडुलम की तरह काम कर रहा है ये। बेटा बात समझ में आई ना, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था आर माइनस आर क्यों लिया, उसको जवाब दिया मैंने, तो समझ में आया? यस सर, थैंक यू। हाँ, बॉल के सेंटर से और कटोरे के सेंटर का डिस्टेंस लेना है तो वो आर माइनस आर आएगा। नेक्स्ट नंबर फोर, बच्चों ये है हमारी धरती माँ, ये अर्थ है। अगर मैं पृथ्वी में एक सुरंग बना दूं पृथ्वी में एक सुरंग बना दूं है ना, और उसमें कोई वस्तु छोड़ दूं, शायद हो सकता है कभी पहले डिस्कशन हुआ हो हमारे बीच, अगर पृथ्वी के अंदर एक सुरंग खोद दे आर पार और बच्चों उस सुरंग में कोई वस्तु छोड़ दूं, मैं एक बॉल छोड़ दी ये लो, तो अर्थ इसे अपनी ओर खींचेगी, ये वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल महसूस करेगी और ये सेंटर की तरफ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर ये वहां रुक नहीं पाएगी, जड़त्व के कारण ये क्रॉस करके दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। जब ये बॉल पृथ्वी के दूसरे सिरे पर पहुंचेगी फिर केंद्र की ओर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर सेंटर की तरफ आएगी, फिर सेंटर पर नहीं रुककर वापस आ जाएगी। इस तरह से सुरंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये दोलन करेगी, SHM होगा। बेटा इसका आवर्तकाल का फार्मूला किसी को याद है? 2π√2rg। नहीं बेटा, rg। 84.6 मिनट होता है। हाँ, 84.6 मिनट होता है। ये वैल्यू याद है, कल भी आई थी ना अपने सामने? यस सर। हाँ, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल भी यही था। तो बच्चों ये सारे बनाते जाओ डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, लिखते जाइए फार्मूले। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं बेटा, मैं कहां तक लिखूंगा, कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट सिस्टम होते हैं ये मान लो, तो उनमें से मैं कुछ आपको बता दिए। तो बच्चों इसके बाद चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वो हम कर लेते हैं। लिखो, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस।
डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस. हिंदी में कोई बता रहा है क्या बोलते हैं? बोलो, मैं बताऊं? मैं तो बताऊंगा ही, तुम बोलो. रणोदित दोलन बोलते हैं क्या सर? अवमंदित दोलन बेटा, अवमंदित दोलन तथा अनुनाद. अनुनाद रेजोनेंस बोलते हैं, अनुनाद. अवमंदित दोलन तथा अनुनाद. बच्चों मैं आपसे है ना 2 मिनट बात भी करना चाहता हूँ. कल भी जैसे मैं थोड़ा सा आपको नाराजगी मैंने दिखाई थी, बेटा जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं आपको और ज्यादा एनर्जी से क्लास में उपस्थित रहना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है. आप डाउट पूछिए, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन अपनी एनर्जी को कम नहीं होने दें. अक्सर ऐसा होता है कि हम जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो बड़े जोश से करते हैं, बाद में वो जोश हमारा ठंडा हो जाता है, बाद में जोश कम हो जाता है. उसे कम ना होने दें और क्लास में आप वैसे ही पार्टिसिपेट करें. पहले कितना बोलते थे आप लोग, तो हमने कभी आपको इस वजह से नहीं मना किया. हम हाँ फालतू की चैटिंग करते हैं उसके लिए मना करते हैं. तो आज मैंने वो बेटा आपका 1-to-1 वाला डिसेबल कर दिया चैटिंग का, इसलिए शायद आज आप पर्सनल चैटिंग नहीं कर पा रहे होंगे. सही बोल रहा हूं ना मैं? आज चैटिंग का ऑप्शन क्या आ रहा है बताओ? एवरीवन आ रहा है बस, या होस्ट आ रहा है ना? सही बोल रहा हूं ना? यस सर. हाँ तो ये सही है बेटा. बीच में भी किया था वो शायद बीच में फिर डिसेबल हो गया था, दोबारा करना पड़ा. कुछ बच्चों की शिकायतें आई हमारे पास कि आप लोग कुछ नालायक बच्चे हैं क्लास में जो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं ऊटपटांग टाइप के, तो वो गलत बात है ना? तो हमें चैट को आज सेटिंग चेंज करनी पड़ी. चलिए मैं अभी दूसरी बात कर रहा था, ये वाली बात करने के लिए शुरुआत नहीं की. मैं बात कर रहा था अपनी एनर्जी को कम नहीं होने दें, क्लास में जवाब दें, है ना, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और एग्जाम में पार्टिसिपेट करें. इस संडे को आपका टेस्ट है, सारा सिलेबस आपको बता दिया है. आप ग्रुप चेक कीजिए, जो नीट वाला ग्रुप है आपका, उस ग्रुप पर सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डालते रहते हैं बेटा. तो उस पर चारों सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डाल दिया है. टेस्ट पेपर संडे को होगा आपका, है ना? ठीक है. डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, बेटा हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं वापस से. आई एम नॉट एडेड इन दिस ग्रुप. आप में से और भी कोई बच्चे हैं क्या? उस ग्रुप का नाम है SNPTC नीट ऑनलाइन. तो बेटा आपको शायद शुरू शुरू में ईशान सर ने उसका एक लिंक भेजा होगा, उस लिंक से आपको पार्टिसिपेट करना था, उसमें ज्वाइन करना होगा. तो मैं ईशान सर को बोलूंगा या तो दोबारा करें, आपस में आप शेयर कर लो ना एक दूसरे, क्या दिक्कत है? हो सकता है उसकी सेटिंग में, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, रोज के लेक्चर जो आपके रिकॉर्डिंग यूट्यूब वाले लेक्चर है वो आते हैं, क्लास का शेड्यूल रोज उसमें हम भेजते हैं, सिलेबस भेज रहे हैं, ये सब फैसिलिटी उसी में है. तो आप एक दूसरे की हेल्प करो या ईशान सर से एक बार कांटेक्ट करो, वो आपको दोबारा लिंक भेजते हैं. ठीक है? यस सर. हाँ सर, हिंदी में क्या बोले? इसको बोलते हैं बेटा अवमंदित, अवमंदित दोलन तथा रेजोनेंस अनुनाद. अवमंदित दोलन तथा अनुनाद. चलिए पढ़ाई करते हैं, 5 मिनट बचे हैं. बच्चों अभी तक इस चैप्टर में हम जो भी दोलनों को डिस्कस कर रहे थे वो फ्री ऑसिलेशंस थे, उन्हें हम मुक्त दोलन बोलते हैं. फ्री ऑसिलेशंस वो दोलन होते हैं
जिनमें किसी तरह का कोई प्रतिरोध बल नहीं होता, ठीक है, किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस फोर्स नहीं होता। जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम को आप ऑसिलेशन करा रहे हो, तो बच्चों अगर मान लो आप एक सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, उसे दोलन करा रहे हो और वायु का प्रतिरोध बल उस पर लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, तो बताओ क्या होगा? मैंने कहा ना पार्टिसिपेट किया करो, छोटी छोटी बातों का जवाब दोगे तो एनर्जी बनी रहेगी आपकी, अच्छा लगेगा क्लास में। अगर हम वायु की उपस्थिति में, वायु के प्रतिरोध बल में किसी सरल लोलक को, किसी सिंपल पेंडुलम को अगर दोलन कराएं तो क्या होगा बताओ? घर्षण। घर्षण के कारण क्या होगा, आगे बोलो। स्पीड कम होगा, स्पीड और एम्पलीट्यूड कम होगा, आवर्तकाल भी कम होगा। हाँ, अब बोले ना ऐसे बोला करो बेटा, अगर किसी सिंपल पेंडुलम को हम एयर में ऑसिलेशन कराएंगे, दोलन कराएंगे, तो उसका आयाम लगातार घटता चला जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जाएगा और अंत में वो पेंडुलम रुक जाएगा, करेक्ट? बेटा रियल में तो रुकती है ना सारी चीजें, इनफाइनाइट टाइम तक कोई दोलन थोड़ी ना करती रहती है वास्तव में, रियलिटी में तो हम जानते ही है सारी वस्तुएं रुकती ही है कभी ना कभी। तो बेटा ऐसे दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं। लेकिन अभी तक हम चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वहां पर हमने किसी तरह का कोई प्रतिरोध बल काम में नहीं लिया था, वो दोलन कहलाते हैं मुक्त दोलन। तो पहले थोड़ा सा मुक्त दोलन के बारे में पढ़ लो, लिखो फ्री ऑसिलेशन, वो वाली हेडिंग काटना मत, उसी के अंदर है ये, मान लो लिखो, लिखो मुक्त दोलन के अंदर लिखो, इफ देयर इज नो रेसिस्टेंस फोर्स ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस, यदि दोलन के समय वस्तु पर कोई प्रतिरोध बल नहीं लग रहा, if there is no resistance force on the body during the oscillations, then body oscillates continuously with constant amplitude. यदि दोलन के समय वस्तु पर कोई प्रतिरोध बल नहीं लग रहा तो वस्तु नियत आयाम से दोलन करती रहती है, बॉडी ऑसिलेट्स कंटिन्यूअसली विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, वस्तु नियत आयाम से दोलन करती रहती है, ये दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं, दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस, ये दोलन मुक्त दोलन कहलाते हैं। बच्चों ये जो मुक्त दोलन होते हैं इनका एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अवकलन समीकरण, वो लिख रहा हूं, इस पर क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखो। हाँ लिख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, मुक्त दोलनों का अवकलन समीकरण, मुक्त दोलनों का अवकलन समीकरण, ये लिख लो d2x upon dt square plus omega square x बराबर 0। अब लिखो डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, वैसे आज तो मैं इसको नहीं करा पाऊंगा पूरा, कल करेंगे हम, जल्दी कराने से फायदा नहीं है। तो बेटा जो मुक्त ऑसिलेशन होते हैं, फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, मुक्त दोलन जो होते हैं उनका आयाम नियत होता है, ये देखो जितना ऊपर है उतना नीचे है, जितना पॉजिटिव में जाता है उतना नेगेटिव में जाता है। तो ये डायग्राम बना लो, ये फ्री ऑसिलेशंस को शो कर रहा है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नियत आयाम, और इसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशंस हम कल पढ़ लेंगे, उसमें आयाम लगातार कम होगा
तो ये कल कर लेंगे, आज हम छोड़ देते हैं वरना अगली क्लास में फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बच्चों आज वाले नोट्स में भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा ही पीडीएफ आ जाएगा या अधूरा जैसा भी है, कल भी नहीं भेजा था शायद मैंने। यस सर, कल का ऑर्गेनिक डाल देना ना। ये पूरी फाइल भेज दूंगा, पूरी फाइल है ना, इसमें 37 पेजेस हो चुके देखो। और दूसरी बात, वीडियो भी मैंने कल भी भेज दिए थे, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी बाद में मुझसे, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का नुकसान हो, तो वो भी सेंड कर दूंगा। बस मैंने जो कहा बेटा, एनर्जी बनाकर रखो, क्लास में प्रेजेंट रहो और एग्जाम में प्रेजेंट रहो, और डाउट वाउट खूब पूछो, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय। ओके, थैंक यू सर।